ओम अथ अष्टादशो अध्यायः। अर्जुन उवाच, सन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि विदितुं, त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशिनी शूदना। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं सन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान वाच, काम्यानाम कर्माणाम न्यासम सन्यासम कवयो विदुः, सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को सन्यास समझते हैं। स्त्री पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग संकट आदि की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ दान तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं उनका नाम काम्य कर्म है, तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता गुरुजनों की सेवा, यज्ञ दान और तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं उन सब में इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं के त्याग का नाम सब कर्मों के फल का त्याग है। त्याज्यम दोषावदित्ये के कर्म प्राहुर मनीषिणः, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। निश्चयम श्रुणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमः, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविदः संप्रकीर्तितः, त्रिविदः संप्रकीर्तितः। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, सन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक राजस और तामस भेद से तीन प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दाना तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए, यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते, मोहतस्य परित्यागस्तामसः प्रकीर्तितः। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना
तामस त्याग कहा गया है। दुखमित्येव यत् कर्म काया क्लेश भया तेजि सकृत्वा राजसं त्यागम नैवं त्याग फलम लभेत। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव सा त्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है उसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। न द्वेष्टया कुशलम कर्म कुशले नाशु सज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। नहीं धे भृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है यह कहा जाता है। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यत यागिनाम प्रेत्यनातु सन्यासीनाम क्वचित। कर्म फल का त्याग ना करने वाले मनुष्य के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे तीन प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्य के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोधमि सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणां। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये पांच हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तो मुझसे भली भांति जान। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। इस विषय में कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही पांचवा हेतु दैव है। जिन जिन इंद्रियों और साधनों के द्वारा कर्म किए जाते हैं उनका नाम करण है। शुभ अशुभ कर्मों के संस्कारों का नाम दैव है। शरीर वांग मनोभिर यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायम् वा विपरीतम् वा पंचायते तस्य हेतवः। मनुष्य मन वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये पांचों कारण हैं। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः
पश्यत्यकृता बुद्धित्वान्ना सा पश्यति दुर्मतिः। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण इस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, हत्वापि सा इमान लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में ना तो मारता है और ना पाप से बंधता है। ज्ञानम जेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, कर्णम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञाता, ज्ञान और जेय, ये तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है, और कर्ता, कर्ण तथा क्रिया, ये तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। जानने वाले का नाम ज्ञाता है, जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है, जानने में आने वाली वस्तु का नाम ज्ञेय है, कर्म करने वाले का नाम कर्ता है। जिन साधनों से कर्म किया जाए उसका नाम करण है, करने का नाम क्रिया है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैवा गुणभेदतः, प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वृक्षणो तान्यपि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। सर्वभूतेषु येनैकं भावामवयामीक्षते, अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। पृथकत्वेन तू यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान, वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। यत्तु कृत्स्ना वदेकस्मिन् कार्ये सक्तमा हेतुकम् अतत्वार्थ वदल्पञ्च तत्तामसा मुदाहृतम्। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है, तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। नियतम संग रहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विका मुच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो, तथा फल ना चाहने वाले पुरुष द्वारा
बिना राग द्वेष के किया गया हो वह सात्विक कहा जाता है। यत्तु कामे सुना कर्मा साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद राजसा मुदाहृतम्। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाला पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है वह कर्म राजस कहा गया है। अनुबंधम क्षये हिंसा मनावेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामा समुच्यते। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह तामस कहा जाता है। मुक्त संगो नहनवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धया सिद्धयोर निर्विकारः कर्ता सात्विकः उच्यते। जो कर्ता संग रहित अहंकार के वचन ना बोलने वाला धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है वह सात्विक कहा जाता है। रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फलों को चाहने तथा लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है वह राजस कहा गया है। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृति को लसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामसः उच्यते। जो कर्ता अयुक्त शिक्षा से रहित घमंडी धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला आलसी और दीर्घ सूत्री है वह तामस कहा जाता है। दीर्घ सूत्री उसको कहा जाता है कि जो थोड़े काल में होने लायक साधारण कार्य को भी फिर कर लेंगे ऐसी आशा से बहुत काल तक पूरा नहीं करता। बुद्धेर्भेदं धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानामाशेषेण पृथकत्वेन धनंजय। हे धनंजय अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार तीन प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भया भये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग कर्तव्य और अकर्तव्य को भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है वह बुद्धि सात्विकी है। गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत अर्पण बुद्धि से केवल लोक शिक्षा के लिए राजा जनक की भांति बरतने का नाम प्रवृत्ति मार्ग है। देह अभिमान को त्याग कर केवल सचिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हुए श्री सुखदेव जी
और सनकादिकों की भांति संसार से उपराम होकर विचरने का नाम निवृत्ति मार्ग है। यया धर्ममा धर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि ही सा पार्था राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को, कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विप्रतांश्च बुद्धि ही सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है, तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। धृत्या यया धारयति मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगिना व्याभिचारिण्या धृति ही सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस अव्याभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। मन प्राण और इंद्रियों को भगवत प्राप्ति के लिए भजन ध्यान और निष्काम कर्मों में लगाने का नाम उनकी क्रियाओं को धारण करना है। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। परंतु हे प्रथा पुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा भय चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। सुखम त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरत ऋषभ अभ्यासात् रमति यत्र दुखांतं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं प्रोक्तमात्मबुद्धि प्रसादजम्। हे भरत श्रेष्ठ, अब तीन प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। विषय इंद्रिय संयोगात यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में विष के तुल्य है। इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनामात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसा मुदाहृतम्।
जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। न तदास्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। ब्राह्मणा क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतपा कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावा प्रभवैर्गुणैः। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। शमुदमस्तपः शौचम् शांति रार्जवामेव च जाना विज्ञाना मास्तिक्यम् ब्रह्म कर्मा स्वभावजम्। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानामीश्वराभावश्च शास्त्रम कर्म स्वभावजम्। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में ना भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकम् कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। स्वे स्वे कर्मण्य भीरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दन्ति तच्छृणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तो सुन। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वानुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से
नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निरिवावृतः। इसलिए हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। असक्ता बुद्धि ही सर्वत्र जितात्मा विगता स्प्रह नैष्कर्म्य सिद्धिम परमां संन्यासेन अधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित, बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्य कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध मे समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस नैष्य कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे सुन। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा राग द्वेषौ व्यूदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतः वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाशितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में करने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा च शोचति नाकांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी ना तो किसी के लिए शोक करता है न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में संभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। भक्तिया मामा भी जानाति यावन्या चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो जात्वा विशति तदनंतरम। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यापाश्रयः मत प्रसादादावाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम्। मेरे
परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा संबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादातरिष्यसि अथ चेत्वा महंकारन्न शोषयसि विनंक्ष्यसि। इस प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को ना सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। यदा अहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्येषा व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्षयति। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण नहीं करना चाहता उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तमीव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इति ते जानामाख्यातम् गुह्याद् गुह्यतरम् मया विमृश्यै तदा शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया, अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसे चाहता है वैसे ही कर। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन, तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। मन्मना भवा मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी मे। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो,
मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इदं ते नातापस्काय न भक्ताय कदाचन, न चाशुशुषवे वाच्यम न च माम योभ्य सूयति। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में ना तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, ना भक्ति रहित और बिना सुनने की इच्छा वालों से ही कहना चाहिए। तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। या इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वाभिधास्यति, भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। न चा तन्मान मनुष्येषु कश्चन मे प्रियकृत्तमः, भविता न चा मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। अध्येष्यते च यः इमं धर्म्यं संवादमावयोः, ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावान न सूयश्च शृणुयादपि यो नरः, सोपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। कच्चिदे तच्छ्रुतं पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा, कच्चिद जान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन उवाच, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत, स्थितो अस्मि गतसंदेह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से
मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय उवाच। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमाम श्रोषमद्भुतम् रोमहर्षणम्। संजय बोले, श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। व्यास प्रासादा श्रुता वाणी तद गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिमामद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्य अद्भुतम् हरे ही विस्मयो मे महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के इस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। यत्र योगीश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नितिर्मतिर् मम। हे राजन, जहां योगीश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नामाष्टादशो अध्यायः। ओम।